भाभी जी, आपको ये चूतिया किस्म का आदमी कैसे पसंद आया? नो oh, no. अरे भाई साहब, जी तो कम चूती दिखाते रह चू करे है रहता है मेहमान का अनुकूलत है आज है। अरे कुल किरौना लग जब देखा किरौना लग जात कोनो बात है सुने है कब है। अरे सुने हम मंतुआ पाकिस्तान से बड़ी निक भाव जाई ले आई। हां यार बहुत बढ़िया भाव जाई ले। हां का करे अब यह जान ले जात रहे राष्ट्रव में हां लड़कियां कहन कि बहुत निक भाई चल चल आओ चल कोनो आइडिया लगाई। हां चल देख जे कौन जुगाड़ लगा हमरो सब कुछ जुगाड़ बैठ जाए। हां चल आ चल चल चल। तो हाँ पाकिस्तानी भौजी कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत बहुत होठ हूँ क्योंकि पाकिस्तान में गरम गरम मुर्गा भेड़ बकरे सब खाने को मिलता है। और आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ बहुत बढ़िया हूँ। देखिए यहाँ गांव के कुछ लोग भी आ गए हैं, इनके सहयोगी लोग लगता है कि बहुत फिर भी। हाँ तो भाभी जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि आपके हाल चाल कैसे हैं? मेरा हाल तो ठीक है, चाल कुछ रंगीन हो गई है जब से मैं इंडिया आई हूँ। ये तो हमारे इंडिया की खासियत। निजुए वाला अपने लाइन में लगा बात है। हाँ बैठे न्याय दे ले जाए यही ले जाए। तो भाभी जी, आप सीधे सीधे भी पाकिस्तान से इंडिया आ सकती हैं, तो आपको इतने घूम के आने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ सर, आपने सही सवाल पूछा। मैं आ तो रही थी पर वो जो बॉर्डर पे कांटा लगा हुआ है ना, हाँ, वो तार वाले लगे होते दो हैं। बार मेरे जांग में चुभा, मैंने सोचा तीसरी बार चुभेगा तो मेरे जानों को तकलीफ हो जाएगी, इसी करके हमको इतना घूम के आना पड़ा। तो देखिए हमारी जनता को ये चीज ध्यान से सुनना चाहिए, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते वक्त मैडम के जांग में दो बार घुसा तार। तो जब आपको तार घुसा तो आपको कैसा लगा? अरे कैसा लगेगा, दर्द ही नहीं होगा तार घुसेगा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ठीक बहुत ठीक। तो आप इलाज उलाज कराए? पत्रकार महोदय जी बोलिए। ये तीसरी बार कांटा कहाँ घुस सकता है? चूतिये यहाँ का समझ नहीं पा होता है। अच्छा बैठे बैठे समझ गए बैठे बैठे। कैसे कैसे लोग यहाँ गांव के आ जाते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, फिर भी पब्लिक है कुछ भी पूछ सकती है। तो भाभी जी, आपको ये चूतिया किस्म का आदमी कैसे पसंद आया? अरे oh, no. भाई साहब जी, तो कम चूती दिखाते रह चू, इतने बड़ा पत्रकार है ना, गाँव कोनो मेरा रू पटाख दिखाओ, हम जानी हम पाकिस्तान से पटाख लाए। अरे जानू तू टेंशन मत ला, हम अकेले सबके रेल हम भाई रामपुर पत्रकार भाई। अरे यार इंटरव्यू हो रहा है, कहाँ चढ़े आ रहे हो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, रुको। अरे जब तो हंसी बचे तब न। भाभी जी, पाकिस्तान से बड़ी धमकी आ रही है कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आए तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा। मिर्ची लग रही है उनके पिछवाड़े में, हमारी जिंदगी है, हम जैसे मर्जी जिए। वो तारा सिंह तो उठा के लाया था, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ प्यार करके। देखते रहिए दोस्तों, लगातार देखते रहिए, सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तारा सिंह यानी कि गदर फिल्म का हीरो, वहां से जाके खुद हीरोइन लेके आता है और यहाँ तो सीमा जी ने प्यार करके खुद अपने इंडिया आई हुई है। तो देखिए इसके विषय में आगे क्या बोलती है सीमा जी। भाई साहब, मैं पाकिस्तान नहीं जाने वाली हूँ, मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं की हूँ। सीमा जी आप भाई साहब मत बोलिया कीजिए, मुझे बड़ा बैड फील होता है। तो का बैड फील होता है, तो का बैड फील होता है, तो का सैया जी बोले इतने ही मत वाला होना तो कतौ मेहरा दो पटाख दिखावा, बैड फील होता है इनका। ई सर्वा हमें देख के तोय देख बहुत बोली बोलत बाटे, हमार दहिया जर के एकदम बालू हो जात बाटे। भाभी जी, आप चार बच्चों की माँ है और ये 22 साल का बच्चा कैसे जोड़ा खाएगा? जोड़ा कैसे खाए, तो का बड़ा फेर हमारे जोड़ा के बारे में, तू इंटरव्यू ले या कि ये जोड़ा बैठो हुआ है या देखा थे कब बिस्तवार है। मैं चार बच्चों की माँ हूँ या दो बच्चों की माँ, इससे आपको क्या लेना देना है? टीवी चाहे 22 इंच की होती है चाहे 32 इंच की, रिमोट तो छोटा सा ही होता पर पूरे टीवी को कवर करके रखता है। देखिए दर्शकों, भाभी जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, इनसे आप लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए कि टीवी चाहे 32 इंच की हो या 18 इंच की हो, और टीवी जो है एक छोटा सा रिमोट पूरी टीवी को कंट्रोल कर लेता है। ये भाभी जी ने अपने आप को टीवी का उदाहरण दिए, ये चीज नोट कीजिएगा आप लोग, कैमरामैन फोकस कीजिए भाभी जी पे। तो हाँ भाभी जी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं और आपको इंडिया आने की क्या जरूरत पड़ गई?
मेरे हस्बैंड जी का तो नाम ही ना लो, वो दुबई में रहते हैं, 2 साल हो गया उनको आए हुए। भूख तो भूख होती है, चाहे पेट की भूख हो चाहे पैसे की भूख हो। का कुंभकरण के बहन भाई बेटू इस भुखान हो कि यह कुकर्म करई के रही रहा हां हमार मेहरारू निक मिल गए तोरे करे जम आग लग सराऊ। अरे जी गुस्सा ना हो, हम प्यार कर ले हैं तो हम निभाए। जाओ यहां से, तुहा लोगन जाई से हटे। अब्बा सिंह है अब जी कुछ हमारे जुगाड़ करो गो। यहां दलाली चलत बाय, चला जाए कहते पाकर बैठो, निकल निकल। अरे दलाली चलत अब सिंह है तो सराऊ फसाए के ले जाए। अरे इन्हें इंसान है तो कुकुर, हमें जब से आलम कुल भूकता है हमें दिमाग। और वो तू का कर बैठो, अभी तो इंटरव्यू ना खत्म भाई। हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हट जा, चला जा ना। हां बताई तो कहां आवा आवा तोरा दाल कर लेना। अब देखिए दोस्तों, यहां तो इंटरव्यू लेने आए थे, दिमाग दही के जी पाकिस्तान से बीवी मिली है, इनको एक ऐसा घमंड टाइप हो गया, अरे साले हम भी लेके आएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे लगा आप सभी को वीडियो? आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये हमारे आज बहुत दूर से आए हुए मेहमान कलाकार हैं, तो इनका काम कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलो।